आज के वीडियो सेशन में हम बात करेंगे भारतमाला परियोजना के बारे में। भारतमाला परियोजना जो है ये सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आती है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय जो है ये जो है वर्तमान में नितिन गडकरी जी के अंतर्गत जो है वो इसके मंत्री हैं। ये भारतमाला परियोजना जो है ये केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित एक परियोजना है और ये परियोजना जो है कई चरणों में जो है चली है। इसके एक चरण है जिसमें कि भारत के अपतटीय क्षेत्रों गुजरात से लेकर मिजोरम तक के सीमावर्ती क्षेत्रों में लगभग 500 किलोमीटर लंबे राजमार्ग का निर्माण करना है। ये है गुजरात, यहाँ से लेकर गुजरात से लेकर यहाँ मिजोरम तक जो है ये लंबा जो अपतटीय क्षेत्र है इस क्षेत्र में जो है राजमार्ग का निर्माण करना है। तो ये यहाँ से लेकर और यहाँ जो है मिजोरम तक ही इस राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा। और जो भारतमाला परियोजना है इस परियोजना का उद्देश्य है आर्थिक गलियारों का विकास करना। जितने भी हैं ये जितने आर्थिक गलियारे हैं देश में, बंदरगाहों का विकास करना जिससे कि व्यापार में वृद्धि हो और रोज़गार में भी वृद्धि हो। तो इस तरह से ये परियोजना है, इस कई चरणों में ये चली है और इसका एक चरण ये भी है जो कि गुजरात से मिजोरम तक 500 किलोमीटर लंबा राजमार्ग का निर्माण करना है। अगर आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।